मध्य प्रदेश, बाद में हरियाणा में उपेक्षा। कांग्रेस बार बार करती रही सपा को इग्नोर, फिर भी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी है सपा। ये गठबंधन एक दोस्ती या फिर सपा के लिए मजबूरी? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पहले मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से सपा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की उपेक्षा की, बावजूद इसके सपा ने दरिया दिली दिखाई और अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि यूपी के उपचुनाव में दो लड़कों की जोड़ी बरकरार रहेगी और साथ में उपचुनाव के रण को फतेह करने की कोशिश की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी सपा कांग्रेस के साथ आखिर क्यों खड़ी है? तो जवाब ये है कि सपा को अगर वोट बैंक साधना है तो इसमें इसे कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये दोस्ती अब सपा के लिए मजबूरी बन चुकी है। गठबंधन पर क्या कह रहे हैं राजनीतिक जानकार? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने पहले मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा में सपा को घास तक नहीं डाला, ना तो कोई सीट दी, ना ही इनसे कोई सलाह ली। यहाँ तक कि जब दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत की गई तब उन्होंने सपा को लेकर कड़ी टिप्पणी कर दी थी और कहा था कि सपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। हालांकि सपा का कहना था कि उसके बगैर चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा और हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस बस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। सपा की हरियाणा विंग इस बात को कहती नजर आई कि अगर साथ साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता तो शायद हरियाणा का मैदान कांग्रेस फतेह कर लेती। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार सलाहकार ये मानते हैं कि हरियाणा चुनाव में अगर विपक्षी दल एक साथ मिलकर लड़ते तो शायद तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि 13 सीटों में अगर हार का अंतर देखेंगे तो वो बस 5,000 या शायद उससे भी कम है। कांग्रेस सपा के लिए क्यों बनी मजबूरी? दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि लोकसभा के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे के लिए बूस्टर बन गए हैं, जहां जो मजबूत है कांग्रेस को उसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। बात यूपी की करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम और दलित वोटर्स ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण गठबंधन ही है। इस बात को सपा और कांग्रेस दोनों ही भलीभांति जानते हैं और यही वजह है कि हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद भी अखिलेश ये बात कह चुके हैं, इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी समाजवादी उठाएंगे। वीरेंद्र सिंह रावत ये भी कहते हैं कि दोनों दलों को एक दूसरे का वोट बैंक बचाने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को सपा की दो टूक, हमारे हिसाब से लड़ना होगा चुनाव। बता दें कि चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि उन्हें 5 सीटें चाहिए, वो 5 सीटें चाहिए जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीते दिन ही उपचुनाव के लिए सपा की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें 6 सीटें शामिल है। अब 4 सीटों पर क्या फैसला होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार कर सपा ने कांग्रेस को दो टुक में कह दिया है कि चुनाव हमारे हिसाब से लड़ना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सपा के लिए कांग्रेस एक मजबूरी बन गई है जिसे चाहकर भी वो इग्नोर नहीं कर सकती। अखिलेश यादव पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं लेकिन बिना कांग्रेस के साथ के ये हो नहीं पाएगा। यही कारण है और यही वजह है कि कांग्रेस उन्हें सीट नहीं भी दे तो भी सपा पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा ही नहीं, अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस से सीट की मांग की थी लेकिन यहां भी सपा को झटका मिल गया था जिसके बाद उसने अपने 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। हालांकि इसके पीछे अखिलेश यादव की अपनी रणनीतियां हैं। आपको क्या लगता है कि सपा के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन ना तोड़ना सपा के लिए मजबूरी है या फिर दोस्ती? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।